हेलो गाइस, क्या हालचाल है सभी लोगों के। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर दो दिन के अंदर या फिर एक दिन के अंदर एक वीडियो आएगा, तो फाइनली आज वीडियो आ चुका है। तो भाई यहाँ पर लावालून तो सभी लोग भूल ही गए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पहले टाउन हॉल 9 का जैप लावालून कैसा होता था, हम लोग यहाँ पर सीसी को जैप कर देते थे और फिर यहाँ पर इजीली 3-स्टार हो जाता था। बट यहाँ पर अपडेट के बाद, यानी कि ये अपडेट नहीं, उससे पहले के अपडेट के बाद यहाँ पर हम लोग सीसी को जैप नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टाउन हॉल 9 की जैप लावालून स्ट्रेटजी। और भाई ये तो इतनी ओपी स्ट्रेटजी कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प के अंदर 3-स्टार करोगे और हर अटैक 3-स्टार करोगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों अटैक 3-स्टार किए। सो आज मैं आपको देने वाला हूँ उसका फुल गाइड। सो आई होप गाइस तुम लोग वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना मत भूलना। अगर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने आर्मी तो पहले देख ही ली होगी। तो गाइस अब आपको क्या करना है, क्लैन कैस्टल ट्रूप के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रो ड्रैगन लेके आना है और एक लेवल 8 की जैब स्पेल लानी है सीसी के अंदर। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको 4 जैब अपनी जो लेवल 6 की जैब, वो 4 जैब एक एयर डिफेंस पे डालनी है और जो हमारी 2 बच्ची है वो और एक लेवल 8 की। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्वीन ले ली थी, यहाँ पर मैंने क्वीन अगर आपको क्वीन मिलती है या फिर कोई और वैल्यू तो आप उसको जरूर ले लो। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय। अब गाइस यहाँ पर आती है मेन चीज़, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गाइस आप लोग ने जो 2 एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया उसी की साइड गाइस आप लोगों को एक बेबी ड्रैगन और अपने इलेक्ट्रो को डिप्लॉय कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर खुद देखो। और गाइस एक बात याद रखना, इलेक्ट्रो को डिप्लॉय करने से पहले यहाँ पर एक लून को जरूर डिप्लॉय करना। उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो सिंगिंग एनिमल होगा वो ल्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। ओके, और थोड़ा वेट करने के बाद, यानी कि अगर आपको थोड़ी वैल्यू मिल जाए उसके बाद गाइस आप लोगों को जो यहाँ पर 2 एयर डिफेंस बच्चे हैं उसकी साइड से यहाँ पर लावालून स्टार्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर मैंने लावालून स्टार्ट कर दिया है। अभी भी हमारे पास यहाँ पर 2 हिस्ट स्पेल है और 1 फ्री स्पेल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्री स्पेल का यूज कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर हिस्ट स्पेल का यूज करने वाले एक यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग गाइस बेस के अंदर देखोगे तो अभी आपको लगेगा भाई कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, लेकिन भाई ये बेस बहुत ही ज़्यादा इजीली 3-स्टार हो जाएगा। ये एक फुल मैक्स DH9 था अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो चलो यहाँ पर मैं 2x कर देता हूँ। भाई यहाँ पर आपको करना है कि अगर आपको यहाँ पर किंग क्वीन लास्ट के अंदर डिप्लॉय करना है, इससे होगा क्या, जो यहाँ पर एयर के अंदर टारगेट करने वाले जो डिफेंसिस होंगे वो यहाँ पर किंग क्वीन के ऊपर हो जाएंगे सेट। तो इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस तो हो गया 3-स्टार। चलो गाइस मैं आपको सेकंड रिप्ले पे ले चलता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो सेकंड गाइस हम लोग ने ये बेस के ऊपर अटैक किया था और भाई ये बेस के ऊपर तो मुझे किंग क्वीन डिप्लॉय करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन भले ही मैंने डिप्लॉय कर दिया हो लेकिन किंग क्वीन डिप्लॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो जैसा कि मैंने पहले अटैक के अंदर किया था, यहाँ पर मैंने 2 एयर डिफेंस को ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बेबी डालूंगा और एक इलेक्ट्रो डालूंगा। तो सिंपल सी चीज़ के साथ लोग को हर अटैक के अंदर ये करनी है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रो डाला, फिर यहाँ पर मैंने बेबी को डाल लिया। अब यहाँ पर मैं वेट करूँगा, जब यहाँ पर मुझे क्वीन मिल जाएगी तो यहाँ से मैं लावालून को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर रिप्ले को देखो। और भाई ये अटैक के अंदर पता है लावालून के अंदर मोस्ट ऑफली होता क्या है, टाइम इश्यू होता है, लेकिन ये लावालून के अंदर टाइम इश्यू नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा इलेक्ट्रो आ चुका है। पहले मुझे लगा मुझे यहाँ पर फ्रीज डिप्लॉय करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक शॉट देखा तब मैं समझ गया भाई कि ये क्वीन तो अब गई है। तो जैसे मुझे यहाँ पर क्वीन मिल गई, यहाँ पर मैंने लावालून स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखो, और एक फ्रीज देखना गाइस मैं कहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आप लोगों को भी फ्रीज का बहुत अच्छा यूज करना है। तो यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर लावालून स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट स्पेल पहली बहुत अच्छी गई और सेकंड भी बहुत अच्छी गई। और यहाँ पर गाइस मैं दे दूंगा एक फ्रीज स्पेल, इससे भाई हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, दोनों के दोनों एक्स वाई फ्रीज हो गए। तो यहाँ पर गाइस देख लो, यहाँ पर किंग क्वीन डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने डिप्लॉय कर दिया। तो गाइस ये थी टाउन हॉल 9 की जैप लावालून स्ट्रेटजी। गाइस अभी तो मैंने एक और रिप्ले बताया है, लेकिन उसके अंदर गाइस मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आप लोग यहाँ पर रिप्ले को देखना। ओके, तो यहाँ पर मैं 4x कर देता हूँ, तो भाई ये तो हो जाएगा 3-स्टार अटैक। तो चलो गाइस अब मैं आपको लास्ट रिप्ले बता देता हूँ और फिर गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। I
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.